प्रेरित पौलुस की रोमियों के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 18 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस मार्गदर्शन कर रहा है, सिखा रहा है ऐसे लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया था, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा था, जो लोग कलसिया में थे, जो लोग यीशु मसीह में चल रहे थे, ऐसे कलसिया के लोगों को, विश्वास करने वाले लोगों को यीशु मसीह पौलुस मार्गदर्शन कर रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है। और सिखाते सिखाते उसने कहा कि जहाँ तक हो सके, हालेलुया, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक हर मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ तक संभव है, जहाँ तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जैसे दिन आगे जा रहे हैं, जैसा ही दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है, हम देख रहे हैं कि मनुष्यों का स्वभाव जो है बिगड़ता जा रहा है। मनुष्यों का स्वभाव जो है दिन दिन बुरा 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 होते जा रहा है, और इसके कारण मनुष्यों का एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता टूट रहा है, संबंध टूट रहे हैं, प्यार का रिश्ता नहीं रहा है, अच्छा शांति का रिश्ता नहीं रहा है। हम देख रहे हैं ये कहाँ हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, हमारे शहर में हो रहा है, हमारे राज्य में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, इतना ही नहीं इस संसार में, पूरे संसार में हो रहा है। क्या हो रहा है? रिश्ता टूट रहा है, संबंध टूट रहा है। भाई भाई से नहीं बोलता है, बहन बहन से नहीं बोलती है, माँ बाप का और बच्चों का रिश्ता नहीं रहा है, गांव में रिश्ता नहीं रहा है, हर जगह रिश्ता टूट गया है। क्यों ऐसा हो गया है कि मनुष्यों का स्वभाव जो है दिन दिन बदलते जा रहा है, बिगड़ रहा है। हमारे स्वभाव में दुष्टता आ गई है, हमारे स्वभाव में स्वार्थ आया है, हमारे स्वभाव में हिंसा और क्रूरता आई है। हम प्यार से एक दूसरों के साथ वर्तन नहीं करते हैं, हम शांति से एक दूसरों के साथ वर्तन नहीं करते हैं, हम एक दूसरों के साथ जो वर्तन करते हैं उसमें स्वार्थ रहता है। और ये जो मनुष्यों का स्वभाव है क्यों ऐसा बदल रहा है, परमेश्वर का वचन है, आखिरी दिन में दुनिया में मनुष्य का स्वभाव जो है बहुत बुरा हो जाएगा। इसका कारण ऐसा है कि शैतान का हाथ जब हमने पकड़ा, उसको अभी 6,000 साल हो गए, मनुष्य को परमेश्वर ने निर्माण किया, उसको 6,000 साल हो गए हैं। 6,000 साल मनुष्य परमेश्वर का नहीं बल्कि शैतान का सुनते आया है, मनुष्य परमेश्वर का नहीं तो शैतान का सुनते आया है। शैतान की इच्छा के अनुसार मनुष्य करता है, शैतान कहता है कि इसको मार डालो तो मार डालेगा, शैतान कहता है गालियां दीजिए तो गालियां देता है। तो मनुष्य का स्वभाव जो है शैतान के हाथ में चला गया है। और ये बात जो है आजकल की नहीं है कि बल्कि 6,000 साल हो रहा है। और जैसा ही मनुष्य शैतान के हाथ में जाता है, मनुष्य का स्वभाव जो है वो बुरा 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 बनते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, जब मनुष्यों का स्वभाव बदलता है, बुरा बनता है, तब दुनिया ऑटोमेटिकली बुरी बनती है। ये दुनिया का अच्छापन या बुरापन मनुष्य के ऊपर निर्भर है, बाकी प्राणियों के ऊपर निर्भर नहीं है, चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं है। कभी कभी लगता है कि जिसके पास, जिस गांव में टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, स्कूल है, कॉलेज है,
वो गांव आगे है, नहीं गलत है। ये चीज़ें होने के बावजूद भी यदि उस गांव के लोग बुरे हैं तो गांव बुरा है। कंप्यूटर कितने हैं, टेलीविजन कितने हैं, मोबाइल कितने हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। गांव के लोग कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। यदि लोग अच्छे हैं तो गांव अच्छा है। टेलीविजन अच्छे होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पौलुस की तिमोथी के नाम दूसरी पत्री है, इसके तीसरे अध्याय में बताया है कि आखिरी दिन जो है बहुत कठिन हो जाएंगे। दुनिया का अंत जैसा नज़दीक आएगा दुनिया की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य में शैतान के काम ज़्यादा हो जाएगा। मनुष्य शैतान का काम ज़्यादा करेगा और मनुष्य की नीति बदल जाएगी, मनुष्य शैतान जैसा बन जाएगा और उसके कारण दुनिया की हालत बुरी बन जाएगी। मनुष्य में स्वार्थ बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, दुष्टता बढ़ेगी, सब तरह के बुरे काम मनुष्यों के हाथ से हो जाएंगे। इसके कारण दुनिया की हालत बहुत खराब हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, मनुष्यों का स्वभाव बुरा बन चुका है, बन रहा है, इसीलिए हमें एक दूसरों से संबंध रखना बहुत कठिन जा रहा है, एक दूसरों से रिश्ता रखना बहुत कठिन जा रहा है, एक दूसरों से दोस्ती रखना बहुत कठिन जा रहा है। समझ लीजिए, तुम्हारा भाई तुमसे कहता है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं एक हफ्ते के अंदर वापस करूँगा। तुमने 10,000 रुपये तुम्हारे भाई को दे दिया, एक हफ्ता चला गया, एक महीना चला गया, 4 महीने चले गए, भाई 10,000 वापस नहीं करता है, लेकिन उसने 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले ली। भाई ने तुम्हारा 10,000 नहीं दिया है, लेकिन उसने खुद ने 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले ली, तुमने देखा, तो तुम्हारे मन में भाई के खिलाफ प्यार नहीं रहेगा। तुम्हारे 10,000 वो देता नहीं है, लेकिन तुम उसने खुद एक 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले ली है, तो तुम तुम्हारे भाई के ऊपर देखोगे भी नहीं, तुम्हारा तुम्हारा भाई से रिश्ता टूट जाएगा। जैसे कैंची लगा के हम तोड़ते हैं ना कुछ, रिश्ता टूट जाता है। भाई सामने से आएगा, तुम ऐसे करोगे, क्यों, इसको मैंने 10,000 दिया था, इसने पैसा मेरा वापस नहीं किया, लेकिन खुद ने 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले ली। भाई की भाई के दुष्टता के कारण आपने भाई से रिश्ता तोड़ा। अभी वैसा ही बहन के साथ हो जाएगा, वैसा ही माँ बाप के साथ हो जाएगा, वैसा ही दोस्तों के साथ हो जाएगा, वैसा ही पड़ोसियों के साथ हो जाएगा, वैसा भी जहाँ आप काम करते हैं उन लोगों के साथ हो जाएगा। आप किसी का भला करना चाहते हैं तो वो आदमी आपका बुरा करता है, तो आप उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसे रिश्ते टूटे हैं, हालेलुया, ऐसे रिश्ते टूटे हैं और बहुत से लोगों के रिश्ते टूटे हैं। भाई और बहनों, ये प्रभु का वचन है कि तुम जहाँ तक हो सके, प्रभु हमसे फोर्स नहीं करता है, प्रभु नहीं कहता, जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन प्रभु कहता है तुम जहाँ तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, यानी शांति का रिश्ता रखो, मेल मिलाप रखो यानी अच्छा रिश्ता रखो। ट्राई टू बी एट पीस विथ एवरीवन, ट्राई टू बी एट पीस विथ एवरीवन, सब मनुष्यों के साथ शांति रखने की कोशिश करो। और वो हम कर रहे हैं, मैं नहीं बता रहा कि आप नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बता रहा कि आप नहीं कर रहे, आपके घर में आप हर दिन ये कर रहे। भाई गुस्सा करता है तो भी आप गुस्सा नहीं करते हैं, बहन गुस्सा करती है तो भी आप गुस्सा नहीं करते हैं, माँ बाप गुस्सा करते हैं तो भी आप बर्दाश्त करते हैं, चालू है काम, बर्दाश्त कर रहे हैं हम एक दूसरों को, लेकिन कहाँ तक, कहाँ तक। कभी कभी ऐसा लगता है सब टूट जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें कभी भूलना नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में प्रभु का ज्ञान है और उस ज्ञान से दुनिया चलती है। प्रभु के वचन के अनुसार दुनिया चलती है, प्रभु के वचन के बाहर दुनिया नहीं चलती है। प्रभु के वचन जो है हमारे लिए कानून है, आत्मिक कानून है, वो आत्मिक कानून जो है हमारे जीवन की नींव है, उसके ऊपर हमारे जीवन खड़ा है। हम सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, दे सकते हैं,
लेकिन एक चीज के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, देना कठिन हो जाता है। कौन सी चीजें? आपके घर का टेलीविजन बिगड़ गया, आप तुरंत रिपेयर करते हैं। आपके घर की मोटरसाइकिल बिगड़ गई, आप तुरंत रिपेयर करते हैं। आपके घर में कहाँ कुछ फर्नीचर टूट गया, आप तुरंत रिपेयर करते हैं। लेकिन आपका भाई से रिश्ता टूट गया, आप रिपेयर नहीं करते हैं। आपका बहन से रिश्ता टूट गया, रिपेयर नहीं करते हैं। टेलीविजन रिपेयर करने में जल्दी तुरंत हड़बड़ी करते हैं, लेकिन भाई से रिश्ता टूट गया है, वो रिश्ता रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए हड़बड़ी नहीं करते। रहने दीजिए। अरे वो तुम्हारा भाई आ रहा है, उसके साथ बोलना है क्या? मैं नहीं बोलना चाहता, वो हराम निकला। भाई तो मेरा ही है लेकिन हराम निकला, ऐसा भी बोलते। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, रिश्ता टूटना हमारे परिवार में होता है, हमारे गांव में होता है, हमारे शहर में होता है, हर जगह हो रहा है, हर जगह। क्यों ऐसा होता है? हम एक दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एक दूसरों का सहन नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी औरत को पूछे तुम्हारा पति कैसा है, बोले अब पति कैसा है, इसका मतलब बहुत हराम है, खतरनाक है, लपड़ेबाज है। हालेलुया, हालेलुया। किसी पति को पूछे तुम्हारी औरत कैसे, पागल है। औरत कैसे, पागल है। औरत को पूछो पति कैसा है, हराम, खतरनाक है। मैं तो माँ को बताती थी मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती से शादी की। माँ तो मर चुकी है लेकिन अभी भी माँ को गालियां दे रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, मैंने यह आपको बताता कि ये आसान बात है, मैं नहीं बताता आसान बात है, ये हमारे लिए चुनौती है, चैलेंज है, सब लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखना। मैं आपको नहीं बताता मैं रख सकता हूँ, मुझे भी कठिन जाता है। कितने लोग बुरा वर्तन करते हैं, कितने अनुभव आ रहा है, हमें तो हर दिन आ रहा है। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो सही है, मैं नहीं कहूँगा प्रभु का वचन गलत है, प्रभु का वचन सही है। प्रभु कहता है हो सके तो, जहाँ तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, जहाँ तक हो सके। कोई सामने आता है बोले हेलो संतोष कैसा है, अच्छा है। वो संतोष क्या करेगा, गया बेचारा। तुमने कहा हेलो संतोष कैसा है, वो संतोष चला गया, बोलता नहीं, तो क्या करे? ठीक है, तुम्हारे ओर से तुमने कोशिश तो की, तुमने कोशिश तो की, उसको पुकारा, उसके साथ स्माइल किया, वो नहीं रिस्पॉन्स देता है तो क्या करे? इसलिए वचन कहता है जहां तक हो सके, जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आप लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी लोग आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखेंगे तो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन वचन जो प्रभु का है वो सही है। वचन क्या है कि जहां तक हो सके आप सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु हमें कहता है सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, उसका फायदा मैं बताना चाहता हूं। सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। आपके घर में बड़ा टेलीविजन आने के बाद आपको शांति नहीं मिलेगी, आपके घर में बड़ा टेलीविजन आने के बाद आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको अच्छी मोटरसाइकिल या कार मिलेगी तो भी शांति नहीं मिलेगी, आपके पास 25,000 रुपए का मोबाइल आएगा तो भी शांति नहीं मिलेगी। जहां तक आपका लोगों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है आपको शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा रिश्ता लोगों के साथ अच्छा रहता है तभी हमारे दिल में शांति रहती है। हालेलुया। तो प्रभु जो बता रहा है हमें
कि जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, ये हमारे जीवन का टॉनिक है। ये जो कानून जो है हमारे जीवन का टॉनिक है। जब हम सब मनुष्यों के साथ रिश्ता अच्छा रखते हैं तो अब हमारे शरीर में बीमारी नहीं आती है, हमारे जीवन में अशांति नहीं आती है, हम जहां जाते हैं वहां सफल हो जाते हैं, हम कामयाबी देखते हैं, असफलता नहीं, हम इस संसार में आगे जाते हैं, तरक्की करते हैं, हमारी तरक्की होती जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के कानून का पालन करते हैं। परमेश्वर का कानून है जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, ये सोने जैसा नियम है, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल है। कठिन है, मैं नहीं कहता आसान है। आप मुझे मत पूछिए ब्रदर आप इस नियम का पालन करते हैं नहीं करते हैं, मुझे भी कठिन जाता है, कठिन जाता है, लेकिन तो भी मैं बोलता हूं कि हमारे जीवन का गोल्डन रूल है। इसका पालन जब हम करते हैं हमारे खुद के जीवन में हीलिंग आता है, चंगाई आती है, परिवार में चंगाई आती है, गांव में चंगाई आती है, हर जगह चंगाई आती है। ये परमेश्वर का कानून है, इस कानून को कोई भी बदल नहीं सकता है। परमेश्वर ने नहीं कहा तुम्हारा टेलीविजन अच्छा रखो, परमेश्वर ने नहीं कहा तुम्हारा मकान अच्छा रखो, परमेश्वर ने नहीं कहा तुम्हारा कपड़ा अच्छा रखो, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा रिश्ता अच्छा रखो। हालेलुया। कितना भी भारी कपड़ा आप पहने, कितनी भी भारी कार आप ले, कितना भी भारी मोबाइल आप ले, लेकिन यदि आपका रिश्ता आपके भाई से टूट गया है आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। आज ऐसे कितने परिवार है जहां भाई बहन माँ बाप एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, नहीं। ऐसे कितने परिवार बच्चे हैं कि भाई बहन माँ बाप सब एक परिवार बैठ के खाना खाते हैं, नहीं। क्यों? एक भाई है किसी से रिश्ता नहीं रखता है, एक बहन है संबंध टूट गया है। ऐसे परिवार बच्चे नहीं आजकल, क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता टूट गया है। क्यों रिश्ता टूटा है? मैंने बताया रिश्ता स्वार्थ से टूटा है। स्वार्थ, सब मुझे चाहिए, सब मुझे चाहिए, अहंकार। अहंकार को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। दो भाई है, एक भाई डॉक्टर बन गया, दूसरा भाई प्यून बन गया, तो क्या हो जाएगा? वो डॉक्टर बना है ना, वो अपने भाई को प्यून जैसा समझता है, वो खुद का भाई है, सगा भाई है, तो भी उसको प्यून समझता है, क्योंकि वो डॉक्टर बन गया ना, उसको बहुत अहंकार आता है। अहंकार के कारण लोग एक दूसरों से दूर जाते हैं। कभी कभी आदमी खुद के माँ बाप को भी कम समझता है जब वो पढ़ा लिखा होता है, बड़ा श्रीमंत होता है, अमीर होता है। अहंकार से भी रिश्ते टूट रहे हैं, स्वार्थ से टूट रहे हैं, दुष्टता से टूट रहे हैं। इसके कारण मनुष्यों का रिश्ता टूट गया है पूरे दुनिया में, यहाँ ही नहीं पूरे दुनिया में। और इस जमाने में ये वचन का पालन करना कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु का वचन सही है, हमें पालन करना है। आपका भाई बोलता नहीं तो भी स्माइल करो, वो करेगा, वो क्या करेगा? जाएगा निकल। आपकी बहन बोलती नहीं तो बोलो शालिनी, 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 ऐसी करती है शालिनी, तो भी आप बोलो शालिनी कैसी हो तुम, वो शालिनी क्या करेगी, क्या करेगी? तो भी पुकारो उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन का पालन हमें करना है। प्रभु का वचन है जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ, प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से
हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।